students, how are you all? I hope you all are good and healthy. Today we discuss about our chapter 4, part 1, parts of a computer. Let us discuss about parts of a computer. Our learning objectives are: main parts of a computer is 4, monitor, keyboard, mouse and CPU. This is extra parts of a computer. It is printer, microphone, speaker और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विथ अ मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ओके, टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। इट शोज द टेक्स्ट विच यू कैन यू टाइप थ्रू अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो भी टाइप करते हैं तो मॉनिटर में दिखता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है वो हम मॉनिटर की मदद से डिस्प्ले हो सकता है। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड हैज मैनी कीज इन द इट। दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। ये सभी चीज़ें होती है। लेटर्स भी हम टाइप कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं, सिम्बल्स कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज माउस। अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स ऑन इट। इट इज़ यूज टू प्रिंट एंड सिलेक्ट एनी आइटम्स ऑन द स्क्रीन। ओके, मतलब माउस के अंदर कितने बटन्स होते हैं? 2 or 3 बटन्स होते हैं। और उसका यूज़ क्या करते हैं हम? तो सिलेक्ट करने के लिए या तो पॉइंट आउट करने के लिए हम कंप्यूटर माउस का यूज़ करते हैं। इट आल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू डू ऑल टाइप्स ऑफ अ कैलकुलेशन। ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा इज स्टोर्ड इन इट। डेटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज दिस इज एक्स्ट्रा वी हैव टू ऐड इन अ कंप्यूटर। इट इज़ अ प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ टेक्स्ट और अ कंप्यूटर पिक्चर्स ऑन अ पेपर। द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ओके, प्रिंटर तो देखा।